गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं जीतू सिंह और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया हुआ है, यहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम में से जाकर भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिवाइस आर कंप्यूटर, स्पीकर और हेडफोन्स। व्हाट टाइप डिवाइस आर कंप्यूटर, स्पीकर और हेडफोन्स? मीन्स कंप्यूटर में जो स्पीकर और हेडफोन्स होते हैं वो एक आउटपुट डिवाइस होते हैं। किसके पार्ट होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट डिवाइस उसे बोलते हैं जो एक आउटपुट रिजल्ट देता है, और इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो किसी भी डाटा को, है ना, कंप्यूटर में इनपुट कराते हों। USB refers to एक तरह का ये पोर्ट टाइप होता है। USB जो होता है एक पोर्ट टाइप होता है, पोर्ट होता है। जैसे USB के थ्रू हम लोग, एक USB होता है, USB एक पोर्ट होता है। द मे ऑल्सो बी कॉल्ड द स्क्रीन और मोनिटर। स्क्रीन और मोनिटर में से कौन सा ऑप्शन है जिसको स्क्रीन और मोनिटर भी से रिलेटेड है? तो वो डिस्प्ले होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स ग्रुप्स कॉन्सिस्ट? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। मीन्स इसमें ये कौन सा एक ग्रुप के है? तो माउस, ऑप्शन ए माउस, कीबोर्ड, मोनिटर। इसमें मोनिटर आउटपुट वो दोनों इनपुट होगा। ऑप्शन बी में माउस, कीबोर्ड ये दोनों इनपुट, प्रिंटर आउटपुट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। माउस, कीबोर्ड तो ये दोनों इनपुट और प्लॉटर आउटपुट, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये तीनों इनपुट होता है, इसलिए एक ग्रुप में जाएंगे, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ डिजिटल कैमरा? व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज डिजिटल कैमरा? डिजिटल कैमरा कौन सा डिवाइस होता है? तो डिजिटल कैमरा हो, वेब कैमरा हो, ये सब एक इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट है, इन MICR, सी स्टैंड फॉर, MICR में सी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो कैरेक्टर होता है। MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, और इसका यूज बैंक में किया जाता है चेक पे जो नंबर होता है उसको रीड करने के लिए। यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन, आउटपुट डिवाइस के द्वारा इनमें से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो आउटपुट डिवाइस का एक भाग है, आउटपुट डिवाइस के लिए यूज किया जाता है? तो व्यू और प्रिंट डाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर? इसमें कौन सा एक एग्जाम्पल है जो हार्डवेयर का एग्जाम्पल नहीं है? तो हार्डवेयर उसे बोलते हैं, ऑल फिजिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के जितने भी कॉम्पोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो सारे हार्डवेयर होते हैं। जैसे स्कैनर एक हार्डवेयर है, मोनिटर एक हार्डवेयर है, प्रिंटर एक हार्डवेयर है, बट इंटरप्रेटर जो है ये एक हार्डवेयर नहीं है। नेक्स्ट होते हैं, विच इनपुट डिवाइस अलाउ ओनली वॉइस कम्युनिकेशन? वॉइस कम्युनिकेशन के लिए कौन सा डिवाइस का यूज, इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है? तो माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन जो हमारी आवाज़ को इनपुट करता है और लाउड स्पीकर के द्वारा हमारे उस वॉइस को बाहर निकालता है। 59 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? इसमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो वो एक स्कैनर होगा। 59 का आंसर सी होगा, आप टिक कर लीजिएगा, स्कैनर। 61, द OCR इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। OCR का फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, और यह एक इनपुट डिवाइस होता है। इसका यूज किस लिए किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक बिल के लिए, टेलीफोन बिल के लिए भी, इंश्योरेंस प्रीमियम के जो बिल होते हैं उसके लिए, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फिल इन द ब्लैंक्स है, मे ऑल्सो बी कॉल्ड द स्क्रीन और मोनिटर। स्क्रीन और मोनिटर को और क्या कह सकते हैं? तो डिस्प्ले बोल सकते हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। जो हार्डवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं, वो हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर आउटपुट डिवाइस ही होते हैं, वो आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। आउटपुट, जितने सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर, ये सब एक हार्डवेयर भी हैं और एक आउटपुट डिवाइस भी है। 64, फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज्ड टू टाइप डाटा। जो किसी भी डाटा को टाइप करने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो कौन सा डिवाइस होता है? तो वो कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस होता है जिससे किसी भी तरह के डाटा को टाइप किया जाता है। 65, द की इज़ यूज्ड टू मूव द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए इंटर बटन का यूज़ करते हैं, इंटर की का यूज़ करते हैं। अगर आप करंट लाइन में है और उसके बाद वाले लाइन में जाना चाहते हैं, उसके नीचे वाले लाइन में, नेक्स्ट लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप इंटर बटन का यूज़ करेंगे। जॉयस्टिक इज़ यूज्ड फॉर, जॉयस्टिक ऊपर पढ़े थे हम लोग, जॉयस्टिक इज़ एन इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है और इसका यूज प्लेइंग गेम्स, गेम को प्ले करने के लिए किया जाता है।
एक वीडियो गेम प्ले करने के लिए, यानी जॉयस्टिक स्पेशली गेम खेलने के लिए किया जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस इज अ, प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू को बोलते हैं। नेक्स्ट है विच डिवाइस यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन, पहला जनरेशन में कौन सा डिवाइस यूज किया गया था, फर्स्ट जनरेशन में कौन से डिवाइस यूज किए गए थे, तो वैक्यूम ट्यूब्स थे, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, एंड थर्ड जनरेशन में आईसी, है ना, आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है सीपीयू यूनिट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री पार्ट्स, सीपीयू का जो कॉम्बिनेशन थ्री पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो वो सीयू, एमयू और एएलयू होते हैं, जिनका फुल फॉर्म हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, फुल फॉर्म का एक वीडियो डालेंगे हम। वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी रैम को बोलेंगे, एंड नॉन वोलाटाइल रोम को बोलेंगे, नॉन वोलाटाइल रोम को बोलेंगे। अर्थमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल ऑपरेशन में प्लस माइनस टैक्स स्लैश ये सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एंड डाटा दैट इज इंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर, जो इंफॉर्मेशन एंड डाटा, कोई सूचना या कोई डाटा को हम कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं, किनके द्वारा, तो इनपुट डिवाइस के द्वारा। अभी बताया था कि अगर कंप्यूटर में किसी भी डाटा को इनपुट कराते हैं तो वो एक इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट है वन जेटा बाइट, वन जेटा बाइट इक्वल टू व्हाट, तो वन जेटा बाइट इक्वल टू 10 से 24 एक्सा बाइट होगा, वन जेटा बाइट इक्वल टू 10 से 24 एक्सा बाइट होगा। नेक्स्ट है ASCII स्टैंड फॉर, ASCII ASCII स्टैंड फॉर, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका ऑप्शन सी होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये। जीरो और वन इक्वल टू वन बिट, कोई एक डिजिट हो तो वो वन बिट होगा। नेक्स्ट है 10 से 24 KB, है ना, 10 से 24 KB इक्वल टू व्हाट, तो वो 1 MB, 1 MB होगा, 1 MB। नेक्स्ट है 1 MB इक्वल टू, तो ऑप्शन में तो 10 से 24 KB नहीं दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 10,000 KB उसके नियरेस्ट वैल्यू को चूज करेंगे, ऑप्शन ए सही होगा। 10 से 24 ZB, ZB के मतलब जेटा बाइट, 10 से 24 ZB इक्वल टू क्या होगा, तो 1 YB होगा, 1 YB, ऑप्शन ए सही होगा। फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म्ड एज होम पेज, किसी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है वो होम पेज होता है। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट, फॉर द इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन से इसमें से ऑप्शन का, तो मॉडेम होता है, मॉडेम जिनमें जिसमें एक सिम लगा दिया जाता है, और वो मॉडेम क्या करता है, कनेक्ट हो जाता है कंप्यूटर को, नेट से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है, सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, ये तीनों के तीनों किसी भी डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं, तो ऑल द अबव, ऑप्शन डी। व्हाट डज डीएमए स्टैंड फॉर, डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट है फोटोन, फोटोन का भी फुल फॉर्म फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, एंड सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वी आर डेवलपिंग डेवलप्ड ड्यूरिंग, कौन से वर्ष के दौरान सेकेंड जनरेशन, यानी सेकेंड जनरेशन का विकास हुआ था, तो वो 1956 टू 1965 तक। दोस्तों अगर जनरेशन याद करना है तो पहला जनरेशन 1942, 1942 से 1955 और 10 साल का मार्जिन आप रखिए, दूसरा जनरेशन 1955 से 1965, तीसरा 65 से 75 और चौथा 1975 से 1985 और पचवा 1985 से ऑनवर्ड्स, तो इन ईयर्स में एक दो साल आगे पीछे हो सकता है। नेक्स्ट है द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज, कौन सा जनरेशन है जिसमें कंप्यूटर सबसे बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो वो फर्स्ट जनरेशन है। डॉस का स्टैंड फॉर, डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नॉन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी इनमें से कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं, तो सीपीयू को बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हु इज़ द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑनर है वो बिल गेट्स हैं। वीडियो इज कॉल्ड, वीडियो इज ऑल्सो कॉल्ड, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये एक स्क्रीन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में स्क्रीन मॉनिटर दोनों होगा, बोथ ए एंड बी, आंसर सही होगा ऑप्शन सी। फिल इन द ब्लैंक्स इज द फंक्शनल की
टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स, किसी फाइल और फोल्डर्स को सेव एज करने के लिए F12 बटन का यूज़ किया जाता है, मीन्स सेव एज का शॉर्टकट F12 होता है। ए डीवीडी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, डीवीडी एक कौन सा, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो हार्ड डिस्क के स्टोरेज करने का डिवाइस होता है जो CPU के अंदर होता है। आउटपुट डिवाइस ऑप्टिकल, ये DVD एक ऑप्टिकल डिस्क होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर, इसमें से कौन सा एक बाइनरी नंबर नहीं है, तो बाइनरी नंबर जो बाइनरी डिजिट होते हैं वो 0 और 1 होते हैं, इनके अलावा जो भी है वो बाइनरी नंबर, तो ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डाटा परमानेंटली, इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो किसी डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करता हो, तो वो रैम होता है, रैम। 98 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज, इन ऑप्शन में सबसे छोटा स्टोरेज किसके पास, सबसे कम क्षमता किसके पास होता है स्टोर करने की, तो वो मेगाबाइट होता है। नेक्स्ट है द कंप्यूटर एब्रिविएशन KB यूजुअली मींस, यानी KB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो किलोबाइट होता है। और 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है, तो हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस होता है, DVD एक स्टोरेज डिवाइस है, और ऑप्टिकल डिस्क होता है, फ्लैश डिस्क भी एक स्टोरेज डिवाइस होता है, बट स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम किसी अपने कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट, कोई पिक्चर, कोई इमेज को स्कैन करके कंप्यूटर तक पहुँचाने में मदद करता है। तो दोस्तों हमारा 100 क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ, और इसमें फुल फॉर्म, कंप्यूटर का फुल फॉर्म दिए हैं CUMPUTER, सी मतलब कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके, थैंक यू।